एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अचानक दिल्ली दौरे का प्लान बन गया है। सीएम धामी के अचानक दिल्ली दौरे से हलचल भी बढ़ गई। विधानसभा भर्ती मामले को लेकर शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक दे सकते हैं धामी। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे की चर्चा के बीच ये अहम दौरा। विनोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। विनोद, क्या आपको सूचना मिल रही है? देखिए मित्र राजेंद्र, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना हुआ है और 3 बजे देहरादून से वो रवाना होंगे। लेकिन इसी बीच में किस तरह से विधानसभा भर्ती मामले का इश्यू हो या फिर विधान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की इस्तीफे की चर्चा हो, तो तमाम ये ऐसी बिंदु है जिन पर अब मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के कारण बिल्कुल जो सियासत है उसमें बिल्कुल एक हलचल पैदा हो गई है। और इसके अलावा वर्तमान में चल रहे विधानसभा भर्ती का मामला हो तो शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी राजेंद्र की एक कल रामनगर में अधिकारी और मंत्रियों के बीच मंथन शिविर होना था 2025 का जो विकास की योजनाओं को लेकर रोड मैप था उसमें बतौर वित्त मंत्री के रूप में प्रेमचंद अग्रवाल को भी शामिल होना था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उस कार्यक्रम को भी कैंसिल कर दिया गया है। और आज कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने के शेड्यूल नहीं था, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री का दौरा अभी बना हुआ है और जिस तरह से प्रेमचंद्र के इस्तीफे की चर्चा पूरी जोरों पर है और उसके अलावा विधानसभा में जो कार्मिकों की छुट्टी हुई है, तमाम के ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक दे सकते हैं और उसके बाद में आखिरकार किस तरह की स्थिति होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अचानक दिल्ली जाना मुख्यमंत्री का उसके कारण जरूर सियासत में जरूर पैदा होगी, ये बड़े कहना चाहिए। बहुत धन्यवाद। कल रामनगर में होने वाला मंत्री और अधिकारियों का मंथन शिविर भी रद्द हो गया है। हलचल बड़ी हुई है अचानक प्लान बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरे का। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास। तमंचे के बल पर सरेआम लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की दिल्ली शाखा में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद हवाई फायरिंग करके मौके से यह बदमाश फरार हो गए। खानपुर लाल गोपालगंज मोहल्ले में रविवार 25 नंबर की घटना है। शाखा केंद्र संचालक मोहम्मद जैद और उसके साथी पर तमंचे के गट से बदमाशों ने हमला कर दिया। देखिए आप वीडियो। शाखा में रखा इंटरनेट राउटर और मोबाइल लूट कर ये बदमाश भाग गए। प्रयागराज से आ रही इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी गंगा पर आगे बढ़ जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।